नमस्कार दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में स्थित नजफगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जी हां दोस्तों, नजफगढ़ के उन तमाम खिलाड़ियों के लिए आज गौरवपूर्ण क्षण है जब नजफगढ़ के इस ऐतिहासिक स्टेडियम में दिल्ली राज्य कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों ये पहला अवसर है जब नजफगढ़ के स्टेडियम में दिल्ली स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वयं है रमेश पहलवान जी, जनरल सेक्रेटरी है दिल्ली राज्य कुश्ती एसोसिएशन के एम चेयर फेडरेशन के, उनसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। राज देख रहे हैं जो नजफगढ़ के अंदर कुश्ती हो रही है, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ खड़े हैं जी। स्टेडियम अगले पहलवान आ जाए, नीरज छत्रसाल स्टेडियम के राजकुमार को स्वागत। मैं तो धन्य हूँ इस चीज के लिए कि आज घर से पहले बेटे निकलते थे, आज हमारी बेटी भी निकली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ उन माओं का, उन पिताओं का कि जो आज घर से निकले हैं। और जब निकलते बहुत बढ़िया। और देखिए आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जनरल सेक्रेटरी रमेश पहलवान जी ने कहा है कि हमारी बेटियाँ भी अब खुल करके रेसलिंग जैसे खेल दिखाने लगी है। ये देहात के लिए ही नहीं, दिल्ली प्रदेश के लिए नहीं, भारत देश के लिए बड़ा गौरव का विषय है। सर एक और विषय आप जुड़े रहे हैं और लगातार आप हिंसा को लेकर के इस चीज को यहीं पर रोका जा सके। ईश्वर ने दिए बार बार शेर को लिपट रहा हूँ, प्रकाश जी हूँ बजरंग पुनिया जैसा बेटा दिया, दीपक पुनिया जैसा बेटा दिया, साक्षी मलिक जैसी बेटी दी। अगले पहलवान मैट के नजदीक आ जाए, बड़ा वंदन करता हूँ हनीश कुमार वीरेंद्र अकेडमी के लिए। निखिल कुश्ती को इतना बड़ा वीरेंद्र अकेडमी घर में किसी के कोई आगे आगे कह दे मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, पर मेरे टैलेंटेड है। बच्चे को साल भर पढ़ाते थे माँ बाप जी, साल भर पढ़ाने के बाद रिजल्ट कब आते थे एक साल बाद। पहलवान एक ऐसा खेल है आप लड़ा हुए रिजल्ट आते हैं, तो मैं वंदन करता हूँ माता पिता को जिस तरीके से आज निकल रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान का गौरव नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, वंदन करता हूँ। तीरंदाजी हो, एथलेटिक्स हो, रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, सभी खिलाड़ी को एक जगह बुलाकर चाहे कोई हार के आया चाहे कोई जीत के आया, उन्होंने अपने धन्यवाद दिया। इस तरीके से अगर खिलाड़ियों को इज्जत मिलेगी। और आपने देखा कि जिस तरह से आज पहलवानी को लेकर के, कुश्ती को लेकर के, भारत के बढ़ते पहलवानों को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन को लेकर के आज यहाँ सराहना की गई है। नजफगढ़ के स्टेडियम से उम्मीद की जा रही है कि पहलवानी और कुश्ती का यह गौरव लगातार बढ़ता रहे और न केवल राष्ट्रीय अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान इस जैसी प्रतियोगिताओं से निकले, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर संजय पराशर जी भी हैं जो जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेहतरीन आपके लिए एक उपलब्धि भरी यह सौगात कही जा सकती है कि दिल्ली स्टेट
रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी नजफगढ़ को मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम इनके शुक्रगुजार हैं, दिल्ली मेट्रो के जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ जी, तो रमेश जी की वजह से ही ये सारा का सारा काम हो रहा है। हम लोगों ने पहली बार ये प्रोग्राम आयोजित किया है, तो आज से पहले हमेशा छत्रपाल स्टेडियम में होता था, जिसमें जैसे कि पहलवान जी ने बताया है कि हमारे घर से हमारी लड़कियाँ बाहर निकली हैं, बहुत बढ़िया। वो इसी वजह से कि हमारे पास ऐसे ऐसे स्थान इन लोगों ने बनवा के दिए, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को आराम से एक जगह। और मेरा ये मानना है कि अगर हम ऐसा कोई भी प्रोग्राम करते हैं किसी भी एरिया के अंदर, तो उससे उस गेम का प्रोत्साहन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैं चाहूँगा कि इनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये गेम हमें लगातार दिया जाए हर साल के लिए, ताकि हम उसको आगे बढ़ा सकें। जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ जो दिल्ली प्रदेश कुश्ती जो संघ है, फेडरेशन है, उसका यहाँ पर धन्यवाद भी किया जा रहा है आयोजन समिति के द्वारा। खेलों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए और खेलों और खिलाड़ियों और कोचों के द्वारा यहाँ पर बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुश्ती को यहाँ से बेहतरीन पहलवान मिलेंगे। अंडर 15 सर, ये जो कैटेगरी है अंडर 15 है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इसके बाद का क्या ऑप्शन है? जब भी कुश्ती होगी पहले डिस्ट्रिक्ट होगी फिर नेशनल, ठीक है? जो बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड वो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमपिता परमेश्वर से, यूट्यूब के माध्यम से आप इस तरीके से आज ये बच्चे लड़ रहे हैं, चाहे वो सतपाल जी रहे हों, जयप्रकाश जी रहे हों, सुरेश पहलवान रहे हों, संजय पहलवान रहे हों, या कोने रुस्तम जो आज धारा पे रहे, कभी ना कभी बच्चे रहे होंगे। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज यहाँ लड़ रहा है वो हिंदुस्तान के तिरंगे के लिए भी लड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये बहुत बड़ी सबसे बड़ी माता पिता जो अपना कलेजा का टुकड़ा कमाई जुटाते हैं उसके लिए वंदन उन माँ बापों को। देखो आज कितनी धूप है मनीष वीरेंद्र अकेडमी, माता बहने कटकटी लगाकर अपनी बेटी कुश्ती तरीके से आज एक शिकार पे लगा रहता है कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया। मैं तो कह रहा हूँ सारे बच्चे हमारे और सभी फर्स्ट सेकंड आए, मैं तो सबको बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ एसोसिएशन स्टेडियम के अंदर, चाहे डॉक्टर सत्य प्रासाद जी हों, चाहे वीरेंद्र भाई हों, और जितने मेरे पहलवान भाई या दोस्त यहाँ जो कर रहे हैं, सबको बारम्बार धन्यवाद है। बंधन है इनके लिए और इनकी सोच के लिए कि भाई साहब ने कहा कि हमें हमेशा देते रहें ये कुश्ती का प्रोग्राम। मैं कहता हूँ भाई साहब आप जब आप याद करोगे हम हाजिर रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद रमेश जी आपने मेरे लिए छोड़ने। तो आप अभी बहुत बढ़िया बात कही कि जिस जगह हो, मैं तो कह रहा हूँ आज मेरे पास तैयार मेरा क्षेत्र नई दिल्ली है, रहने वाला मैं वहाँ क्षेत्र और माननीय अध्यक्ष जयप्रकाश पहलवान जी जिनकी आज ये देन है, उनका जसोला है। तो हमने ये सोच के इधर कराई कि मैंने कह यहाँ के बच्चों को क्यों ना मौका मिले, जो हमारे बच्चे इधर ही करें इनके बच्चे उधर करें, तो बच्चों को भी पता लगे अगर जहाँ बीच में वहाँ दो बच्चे करने वाले पर देखने वाले 100 अंतरराष्ट्रीय हो सकता है उन 100 में से और आ जाए बीच पहुंच चुके हैं बढ़ावा देने के लिए जगह जगह, जो सुपर जरूरत जो हमें गाँव बांध रहा है मिला के मदद हम पहलवान जी का मेडल भी दे रहे हैं, बैग भी दे रहे हैं, ऋषिपाल जी का हार्दिक स्वागत दे रहा है, अभिनंदन करते हैं। जगदीश मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के सौजन्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। दो शब्द, जगदीश मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी जो मैंने 2011 में रजिस्टर कराया था, ये हमारे पिताजी हेडमास्टर हुआ करते थे, वो दिल्ली सरकार से नेशनल हेडमास्टर रिटायर हुए थे, उन्हीं के उसमें हम मेमोरी में ये सारा का सारा प्रोग्राम कराते हैं, जिसके तहत हम हेल्थ और वेल्थ दोनों पे ध्यान देते हैं। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा हेल्थ पे रहता है, हेल्थ में सबसे पहले फिजिकल का ही ध्यान है, जिसके अंदर हम सिर्फ स्पोर्ट्स को मानते हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है उसके लिए स्पोर्ट्स सबसे जरूरी है, और अगर स्पोर्ट्स में जितने भी बच्चों को हम लेके आए उनको प्रोत्साहन देंगे तो ये नेचुरल बात है कि वो बीमार नहीं होगा। हम कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। हमारी संस्था पिछले 8 साल से लगातार एक इवेंट स्टेट लेवल का जरूर कराती है, जो सालाना हम होते हैं, ये 5वां इस स्टेडियम के अंदर है और 3 गेम हम बाहर कराते हैं, ये रेगुलर चलता है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब हैं कृष्ण शर्मा जी, एसओ हैं सर जी, हम सारा पूरे के पूरे सारे भाई बंधु मिल के हम लोग इस संस्था को चलाते हैं, और ये विदाउट डोनेशन है जो सिर्फ एक पारिवारिक ट्रस्ट के तहत चलाया जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।